हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। लास्ट वीडियो हम रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच का, ये होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप का मीनिंग होता है इसके अंदर कोई कैपिलरीज और वेन्स प्रेजेंट नहीं होंगी। इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हीमोसील जिसको बॉडी कैविटी बोलते हैं, हार्ट, ब्लड और हीमोलिम्फ। तो ये तीन कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सबसे फर्स्ट अगर हम हीमोसील की बात करें, हीमोसील क्या होगी, कॉकरोच की बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलते हैं, यानी कि और बॉडी कैविटी क्या होती है, जो आउटर एपिडर्मिस होती है और जो बीच में जो गट प्रेजेंट होती है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो हीमोसील क्या होगी, यहाँ पे बॉडी कैविटी होगी और इस बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड और हीमोलिम्फ फील्ड होगा। हीमोलिम्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो लिम्फ कलर का यानी कि कलरलेस होगा, इसलिए इसको हीमोलिम्फ बोला जाता है। तो अगर हम बात करें, ये होगी यहाँ पे बॉडी कैविटी या फिर हीमोसील हो गया। अब ये जो बॉडी कैविटी है, हीमोसील है, वो दो हॉरिजॉन्टल मोस्कुलर डायफ्रैगम के अंदर डिवाइड हो जाती है और इस वजह से ये क्या करेगी, तीन कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर लेगी। कैसे फॉर्म होंगे, यहाँ पे एक डोर्सल डायफ्रैगम होगा और एक वेंट्रल डायफ्रैगम होगा। तो जब ये डिवाइड करेगी, जो दो हॉरिजॉन्टल डायफ्रैगम होंगे, एक तो यहाँ पे ये डोर्सल डायफ्रैगम हुआ एंड सेकंड यहाँ पे वेंट्रल डायफ्रैगम होगा। तो इसकी वजह से ये तीन कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, 1, 2 एंड 3 कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी। इनमें से जो डोर्सल डायफ्रैगम होगा वो प्रेजेंट होता है अबव द गट, बीच में ये गट प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो है ये प्रेजेंट है यहाँ पे डोर्सल डायफ्रैगम एंड बिलो द गट वो वहाँ क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल डायफ्रैगम प्रेजेंट है। ये दोनों के दोनों डायफ्रैगम ही क्या होते हैं, पोर्स और फेनिस्ट्रे इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पोर्स और फेनिस्ट्रे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें डोर्सल डायफ्रैगम की और डिटेल में, तो डोर्सल डायफ्रैगम हमने बात कर ली, अबाउ द गट प्रेजेंट होता है, गट के ऊपर प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो डोर्सल के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है डोर्सल के ऊपर, यानी कि जो ये डोर्सल डायफ्रैगम ये है, ये लाइन डोर्सल डायफ्रैगम हो गई, इसके ऊपर जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस या फिर पेरिकार्डियल हीमोसील और डोर्सल साइनस। तो ये जो एरिया यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल हीमोसील और डोर्सल साइनस। स्मॉल होता है, इनक्लोज करता है हर्ट को, ओर्टा को एंड एलेरी मसल्स को। यहाँ पे एलेरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये एलेरी मसल्स क्या करती है, रिदमेटिक बीटिंग करती है, जो कि सर्कुलेशन में, ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर हेल्प करेंगी। और ये जो एलेरी मसल्स है, हर एक वन पेयर प्रेजेंट होता है हर एक सेगमेंट के अंदर, वन पेयर इन ईच सेगमेंट। ये हमने बात की, ये क्या हो गई, ये एलेरी मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हर एक सेगमेंट के अंदर एक पेयर प्रेजेंट होगा यहाँ पे। अब ये जो एलेरी मसल्स हैं ये कहाँ पे ज्वाइन होगी, हमने बात की थी यहाँ पे पेरिकार्डियल साइनस की। तो ये पेरिकार्डियल सेप्टम या फिर साइनस यहाँ पे ये प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल साइनस यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका जो ब्रॉड बेस होगा ये ऐसे अटैच है, तो इसका इसके ब्रॉड बेस से तो ये क्या होंगी, पेरिकार्डियल साइनस से अटैच होंगी और जो इनका पॉइंटेड एंड है वहाँ पे प्रेजेंट होगी, वहाँ पे अटैच होगी टर्जा से। इसके बाद हम बात करें अगर डोर्सल डायफ्रैगम और जो एलेरी मसल्स है वो जो हर्ट की वॉल है उससे भी अटैच होती है। डोर्सल डायफ्रैगम और साथ में हमने बात की है डोर्सल डायफ्रैगम की और साथ में ये डोर्सल डायफ्रैगम की ये हो गया और एलेरी मसल्स हो गई, तो ये साथ में हर्ट की वॉल्स के साथ भी अटैच होती है। कैसे अटैच होंगी, थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये क्या होंगी, आपस में अटैच होंगी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा,
जो स्पेस प्रेजेंट होगा बिटवीन जो दो डायफ्रेगम की हमने बात की है उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा और वो गट को सराउंड करेगा और जो विसरा है उसको सराउंड करेगा, उसको बोलते हैं पेरिविसरल हिमोसील और मिडल साइनस। ये गट हो गई यहाँ पे, इसको जो स्पेस सराउंड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पेरिविसरल हिमोसील और मिडल साइनस बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो वेंट्रल डायफ्रेगम है, अब वेंट्रल डायफ्रेगम क्या करेगा, जो वेंट्रल नर्व कोड है उसको इनक्लोज करेगा। यहाँ पे ये वेंट्रल नर्व कोड दिखा रखी है, तो ये वेंट्रल नर्व कोड क्या है, ये जो वेंट्रल डायफ्रेगम है वो इसको क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है इसके अंदर। तो ये जो स्पेस यहाँ पे बचेगा जो वेंट्रल डायफ्रेगम और वेंट्रल नर्व कोड के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीन्यूरल और स्टर्नल हिमोसील और वेंट्रल साइनस। तो इसको बोलेंगे पेरीन्यूरल साइनस और स्टर्नल हिमोसील या फिर वेंट्रल साइनस बोलेंगे इसको। अब इसके बाद अगर हम वेंट्रल डायफ्रेगम की बात करें, वेंट्रल डायफ्रेगम क्या करेगा, वेंट्रल डायफ्रेगम बिलो द गट प्रेजेंट होता है और ये एक्सटेंड करता है लेग्स के अंदर, हर एक जो लेग है उसके अंदर एक्सटेंड करेगा एज अ सेप्टम। ये यहाँ से ये एक्सटेंड करता हुआ हमें नजर आ रहा है, ये यहाँ से ये गया, ये एक्सटेंड कर रहा है, तो ये लेग के अंदर एक्सटेंड करेगा। और ये क्या करेगा, वहाँ पे जो जो बॉडी कैविटी होगी उसको दो के अंदर डिवाइड, दो साइनसेस के अंदर डिवाइड कर देगा। अगेन एक साइनस जाएगा आउटवर्ड, एक साइनस जाएगा इनवर्ड, एक आउटवर्ड जाएगा हिमोसील की तरफ, एक इनवर्ड जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें हेड साइनसेस की, यहाँ पे कुछ हेड साइनसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेवरल स्मॉल कैविटीज होती हैं जो कि हेड के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये हो गया हमारा वेंट्रल डायफ्रेगम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट है हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट है हार्ट। हार्ट जो है ये डोर्सल साइनस के अंदर प्रेजेंट होगा। हमने बात की थी डोर्सल साइनस क्या होते हैं, स्मॉल सेवरल बॉडी कैविटीज होती हैं जो कि हेड के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये डोर्सल साइनस जो होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो हमने बात की थी ये बॉडी कैविटी होगी, ये यहाँ पे डोर्सल हो गया और नीचे की तरफ वेंट्रल हो गया। तो जो डोर्सल साइनस है वहाँ पे ये लाई करते हैं हार्ट। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी जो डोर्सल साइनस है वो इनक्लोज करता है हार्ट को, लैरी मसल्स को, उनको क्या करके और ओल्टा को क्या करके रखेगा, इनक्लोज करके रखता है हार्ट। यहाँ पे पल्सेटाइल होता है यानी कि रिदमेटिक कॉन्ट्रेक्शन शो करता है। कॉकरोच के अंदर 13 फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं यानी कि 13 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इन 13 चैम्बर्ड में से भी 3 चैम्बर्स जो है, फर्स्ट 3 चैम्बर्स थोरेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इसके बाद जो नेक्स्ट 10 चैम्बर्स होंगे वो एब्डोमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर फर्क क्या होता है, जो सबसे लास्ट का सेगमेंट है, सबसे लास्ट का जो सेगमेंट होता है इसका, जो लास्ट का जो चैम्बर होता है वहाँ पे लेटरल अप्रेचर और ओस्टिया एब्सेंट होते हैं और जो बाकी के 12 सेगमेंट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एंटीरियर ओर्टा भी प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे एंटीरियर ओर्टा प्रेजेंट होता है और कुछ यहाँ पे वेंट्रिकुलर वॉल्स प्रेजेंट होती है। ये वेंट्रिकुलर वॉल्स क्या करेंगे, जो एक तरह से ब्लड का फ्लो है उसको चेक करके रखेंगे, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, जैसे कि ये ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ वॉल्व प्रेजेंट होंगी। ये वॉल्व जब ओपन होंगी, और इन वॉल्व को बोला जाता है ओस्टियम, ठीक है, ये ओस्टियम या फिर ओस्टिया जब ओपन होंगे तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड फ्लो करके हार्ट के अंदर जाएगा। और जब ये, अब इस टाइम पे ये क्या है, क्लोज्ड है, जब ये वॉल्व ओपन हो जाएंगी तो ब्लड जो है इनके अंदर से ऐसे मूव करेगा। तो ये क्या करती हैं, ये जो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं ये ब्लड के फ्लो को चेक करती है और ये भी चेक करती है कि जो ब्लड का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल हो, एक ही डायरेक्शन के अंदर ही हो, ये हमेशा क्या हो, फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड हो, ठीक है, बिहाइंड फॉरवर्ड ही जाइए।
हार्ट की वॉल जो है वहाँ पे एक्सटर्नल थिन लेयर्स प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और इंटरनल लेयर प्रेजेंट होती है मसल फाइबर्स की। हमने बात की थी जो एलेरी मसल्स हैं और इसके साथ डोर्सल डायफ्रगम है वो हार्ट की वॉल के साथ अटैच होता है थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। तो वहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो है कि एक्सटर्नल थिन लेयर प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर, एंड इनर में मसल फाइबर्स की इंटरनल लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर थर्ड कंपोनेंट की, ब्लड और हीमोलिम्फ, कलरलेस ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कंपोनेंट होंगे ब्लड के, क्लियर प्लाज्मा प्रेजेंट होगा एंड हीमोसाइट्स प्रेजेंट होंगी। हीमोसाइट्स क्या होंगे, यहाँ पे ब्लड कॉर्पसल्स होंगी या फिर वाइट कॉर्पसल्स होंगी। अब ये जो क्लियर प्लाज्मा है इसके अंदर 70% तो वाटर होता है। इस क्लियर प्लाज्मा के अंदर 70% वाटर और रिमेनिंग पार्ट जो है अमीनो एसिड्स, यूरिक एसिड, प्रोटीन, शुगर्स, फैट्स, सार्स प्रेजेंट होते हैं सोडियम के, पोटेशियम के एंड कैल्शियम के। तो रिमेनिंग जो 30% है, अबाउट 30% है, वो क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, प्रोटीन्स, शुगर्स, फैट्स, सार्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो क्लियर प्लाज्मा की बात हो गई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें हीमोसाइट्स की, हीमोसाइट्स क्या होंगी, यहाँ पे वाइट कॉर्पसल्स होंगी जो कि इरेगुलर, कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड होंगी। इरेगुलर शेप के अंदर ये प्रेजेंट होती है और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये भी माना जाता है कि यहाँ पे 7 टाइप की ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि जो ये ब्लड सेल्स हैं या फिर हीमोसाइट्स हैं, वो 7 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है और इनमें से कुछ अमीबॉइड सेल्स होती हैं और फैगोसाइट्स होती हैं। ये क्या करती हैं, जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल पैरासाइट्स होते हैं, उनको किल कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा ब्लड जो है वो एज फूड रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है एंड हेल्प ड्यूरिंग हैचिंग एंड मोल्टिंग। जब हैचिंग एंड मोल्टिंग होती है कॉकरोच की, तो उस ड्यूरिंग ये क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा ये जो फूड यहाँ पे एक तरह से स्टोर हुआ है। तो ये कंपोनेंट्स की बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। तो अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, ये हो गया हमारा अगेन वही सेम डायग्राम। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे, ये ओल्टा प्रेजेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे पेरिकार्डियल साइनस प्रेजेंट हो गया, ये हर्ट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हर्ट प्रेजेंट है। ये डोर्सल डायफ्रगम हो गया, नीचे की तरफ वेंट्रल साइड पे वेंट्रल डायफ्रगम हो गया, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये पैरी इसके अंदर जो है ये क्या हो गया, पैरी न्यूरल साइनस प्रेजेंट होगा। ये जो इसको अटैच कर रही है वो ऐसे ही क्या है, एलेरी मसल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओस्टिया प्रेजेंट है, और जो बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या होगा, पैरी विसरल साइनस और हीमोसिल। तो ये स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए। सर्कुलेशन कैसे होगा, हार्ट से जो है ब्लड जाएगा ओर्टा के पास, इंटीरियर ओर्टा के पास, हार्ट से ब्लड गया ओर्टा के पास, ओर्टा से ये जाएगा हेड साइनस के अंदर, हेड साइनस से नेक्स्ट जाएगा ये पैरी विसरल साइनस के अंदर एंड पैरी न्यूरल साइनस के अंदर, ये पैरी न्यूरल साइनस के अंदर यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से ब्लड जो है पेरिकार्डियल साइनस के अंदर जाएगा, नेक्स्ट ब्लड जो है वो जाएगा पेरिकार्डियल साइनस के अंदर, जो ये इस साइड प्रेजेंट हो, ये नेक्स्ट गया पेरिकार्डियल साइनस के अंदर, और पेरिकार्डियल साइनस से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगेन जब ये ओस्टिया जो है वो जो वेंट्रिकुलर वॉल्स थी वो ओपन होंगी, तो अगेन क्या कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हार्ट के अंदर। अब अगर हम बात करें, ये तो है ब्लड का सर्कुलेशन, ये ब्लड का सर्कुलेशन हो गया। अब ये जो ब्लड है वो किस मैकेनिज्म पे या फिर कौन सा फोर्स है जो इसको मूव करवाता है, यहाँ पे मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है हार्ट वॉल के अंदर। अभी हमने बात की थी कि जो हार्ट की वॉल होती है उसके अंदर इंटरनल लेयर प्रेजेंट होती है मसल फाइबर्स की, तो यहाँ पे मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करेंगी। तो इन कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही क्या होगा, यहाँ पे पंपिंग होगी या फिर ब्लड के सर्कुलेशन होगा।
और ये जो सर्कुलेशन है वो एलेरी मसल्स जो है असिस्ट करती है। तो अगर हम बात करें इन एलेरी मसल्स की, अगर ये एलेरी मसल्स, फर्स्टली हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये एलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है तो पेरिकार्डियल साइनस जो है वो एनलार्ज हो जाएगा। ये जो यहाँ पे पेरिकार्डियल साइनस है, ये जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनलार्ज हो जाएगा। एनलार्ज होने की वजह से ब्लड जो है पेरिविसरल साइनस के अंदर आ जाएगा, मूव करके, यहाँ से मूव करके ब्लड जो है पेरिविसरल साइनस के अंदर पहुंच जाएगा। अब अगर हम बात करें जो एलेरी मसल्स हैं वो क्या है, रिलैक्स है। अगर एलेरी मसल्स रिलैक्स है तो ब्लड फोर्स्ड किया जाएगा हार्ट के अंदर जाने के लिए। ब्लड कहाँ चला जाएगा, पेरिविसरल साइनस की जगह आने की बजाय वो कहाँ पर, कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा हार्ट के अंदर। और हार्ट के अंदर किसके थ्रू जाएगा, जो यहाँ पे ओस्टिया प्रेजेंट है, ओस्टिया के थ्रू हार्ट के अंदर चला जाएगा। और जो ओस्टिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पेरिस्टाल्टिकली, यानी कि इनकी जो एक तरह से इनकी जो वॉल है या फिर ये जो ओस्टियम है वो क्या करेंगे, पेरिस्टाल्टिकली कॉन्ट्रैक्ट होंगे बिहाइंड टू फॉरवर्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिहाइंड टू फॉरवर्ड, क्योंकि हमने बात की थी इसके अंदर जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जो ब्लड का या फिर जो हीमोलिम्फ है उसका जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, यूनिडायरेक्शनल बिहाइंड फॉरवर्ड होता है। तो ये बिहाइंड फॉरवर्ड क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पेरिस्टाल्टिकली। जब ब्लड जो है इसकी वजह से एंटीरियरली चला जाएगा और ये कहाँ पे चला जाएगा, पेरिविसरल और जो स्टर्नल साइनसेस थे यानी कि वेंट्रल साइनसेस के अंदर चला जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, या फिर ये कोर्स ऑफ सर्कुलेशन होता है ब्लड का कॉकरोच के अंदर। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू सो मच।